एक बार सभा में बीरबल अकबर की मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि जहांपनाह, आप दिन प्रतिदिन मोटे होते जा रहे हैं, आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। अकबर को यह बात सुनकर गुस्सा आ गया। अकबर ने बीरबल की परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने एक बकरी को बुलवाया और बकरी का वजन तोला। बकरी का वजन 60 किलो था। तब अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, इस बकरी को तुम्हें एक महीने तक पालना है और इसका वजन ना तो घटना चाहिए और ना ही बढ़ना चाहिए। ये तुम्हारी परीक्षा है। एक महीने बाद आकर इस बकरी का वजन तोलेगा। यदि उसका वजन कम या ज्यादा निकला तो तुम्हें राज्य छोड़कर जाना पड़ेगा। यह सुनकर बीरबल अचंभे में पड़ गए, मगर कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने बकरी को स्वीकार कर लिया। बकरी का पूरा ख्याल रखा और उसे भरपूर खाना दिया, सारी सुविधा और हर प्रकार का ध्यान रखा। इस प्रकार दिन गुजरते गए। एक महीने बाद जब बीरबल बकरी को लेकर दरबार में आए, तब अकबर ने पूछा कि बकरी ठीक है ना? तब बीरबल बोले, जी महाराज, बकरी ठीक है और उसका वजन तो नहीं बढ़ा। तब बीरबल बोले, नहीं महाराज, उसे पूरा खाना दिया गया, उसका पूरा ध्यान रखा गया और उसका वजन भी नहीं बढ़ा। फिर बकरी का वजन किया गया, उसका वजन वही था जो एक महीने पहले था। बादशाह को बड़ा अचंभा हुआ। उन्होंने यह पता लगाया कि बीरबल ने आखिर ऐसा क्या किया कि बकरी का वजन ना तो बढ़ा और ना ही घटा। उन्होंने बीरबल से कहा, यह कैसा राज है कि बकरी का वजन ना घटा और ना ही बढ़ा। बीरबल बोले, कोई राज नहीं है जहांपनाह। सारे दिन बकरी को मैं खिलाता पिलाता और सेवा करता, शाम को एक कुत्ता उसके पीछे छोड़ देता, जिसे देखकर बकरी डर जाती और पूरी जगह चक्कर लगा लगा कर अपना वजन घटा लेती। बीरबल का जवाब सुनकर अकबर खुश हुए और वह समझ गए कि स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम बहुत जरूरी है। तो ये कहानी हमें सिखाती है दोस्तों कि हमारा अच्छा स्वास्थ्य ही हमारा वास्तविक धन है।